pure a pure ambulanza di macchia e pure banda distanze da अनिस बज़मी जो है हमारे बॉलीवुड के बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है. उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम में भेजा था, मुझे बोला कि आप एक प्रोग्राम में जाइए परफॉर्म करने के लिए. और मैंने कहा भाई उस दिन तो मेरा एक शो है. अरे सुनील भाई आगे काम करने अपने को बहुत सारे ये है वो है. तो मैंने कहा ठीक है मगर मेरा शो का नुकसान हो जाएगा. बोले सुनील जी आप कितना पेमेंट लेते हैं. मैंने कहा कि मैं एक्स अमाउंट लेता हूँ. बोले इतना तो नहीं कि रुपए में 4,000 मैं आपको दे दूँगा. अरे ठीक है मैं अपना शो छोड़ के सारी चीज़ें इस होप से गया कि अगला खुश हो जाएगा. उसकी फिल्म भी शुरू नहीं हुई थी और उसका एक पार्टनर भी है उनका मयूर बारोट, उसकी भी एक फिल्म शुरू नहीं हुई थी. अब तो दोनों की फिल्में कम्प्लीट हो गई. गया वहाँ पर शो करके आया, उसके बाद ये लोग पैसे देने का नाम नहीं ले रहे. फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी. मुझे कुछ दुख इस बात का हुआ कि पैसे तो दे नहीं रहे, शूटिंग भी शुरू कर दी, फ़ोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे. फिर उसके बाद में मैंने मयूर बारोट को संपर्क किया तो मयूर बारोट बोलते कि सर अभी शूटिंग के लिए गए हैं, बाहर से आएंगे फिर ये करेंगे, फिर आपको चेक देंगे, फिर पेमेंट देंगे, फिर ये फिर वो. करते करते फिल्म की पूरी शूटिंग खत्म हो गई क्योंकि आउट ऑफ इंडिया शूटिंग थी. इनकी भी शूटिंग कहीं थी, ये भी जब अपनी शूटिंग में बारोट साहब जाते थे फ़ोन नहीं उठाते थे. जब दोनों यहाँ पर मिले मुझे बॉम्बे में तो एक दिन मुझे ऑफिस से बुला लिया, जो बरिस्ता के ऊपर ऑफिस है. मुझे बोला कि हाँ जी क्या वो पेमेंट उनकी बात कर रहे हैं. आपने कहा सर वो आपने कहा था. अरे यार घर की बात है छोड़ दो यार भूल जाओ, अभी आगे अपन काम करेंगे. बहुत ही वो घर की बात है. मैं सर आपने तो तय किया था मैं इतना नुकसान करके, और दूसरी बात ये सोच के किया था कि आप मुझे काम दोगे, फिल्म में काम दोगे, ये कर दोगे. आपने तो ऐसा वादा किया था कि आगे बहुत काम करना है, तो कहाँ है काम, फिल्म तो कम्प्लीट होगी आपकी. तो बोले यार अभी बहुत काम करना है, ये है वो है, अभी भूल जाओ. फिर मैंने घर पर आके उनको मैसेज किया कि यार आप मेरा पेमेंट दे दो कम से कम. बहुत इंसल्ट किया आपने, बहुत मुझे मेरे परेशान किया है. मैं अपना शो छोड़ कर वहाँ गया था, एंटरटेन किया वहाँ पर, परफॉर्म किया, दो दो तीन तीन एंट्री की वहाँ पर. तो मुझे कहने लगे कि तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो. मैं अनिस बज़मी हूँ, द अनिस बज़मी हूँ. ये इस टाइप की मैसेज मुझे मत करो, तुम्हें नहीं पता मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ. तो मैंने कहा सर मैं तो पुलिस में कंप्लेंट करूँगा. बोले तुम्हें जो करना है करो. उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो बनाया कि सबसे पहले इनको भेजा मैंने कि मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं. तो फिर मुझे लगा कि यार ये अपने पोस्ट पे खड़ा होकर इतना बड़ा आदमी मुझे परेशान कर रहा है और हम जैसे कलाकार को परेशान करता ही होगा ये, तो ऐसे में इंसाफ कौन देगा, कैसे देगा. तो कम से कम अपनी बात तो शेयर करूँ मेरे दोस्तों से, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया और उसको मैंने सोशल मीडिया पर शेयर किया. और उसके बाद पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो वो कहते हैं सुभाष के झा है, टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया तो कहते हैं कि सुनील पाल पी के टाइट पार्टी में घूम रहा था और पब्लिसिटी के लिए मुझे घेर रहा है. और ये सारी की सारी बातें बिना मुझसे पूछे एक तरफा इंटरव्यू अनिस बज़मी का टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े मैगजीन में, बड़े न्यूज़पेपर में, सुभाष के जैसे रिस्पेक्टेड पत्रकार ने एक तरफा इंटरव्यू छाप दिया कि सुनील पाल पिया हुआ था और पब्लिसिटी के लिए घेर रहा है अनिस बज़मी को. तो भाई साहब 10 महीने का इंतज़ार किया मैंने उस आदमी से पेमेंट मांगने के लिए. 10 महीने लगातार उसके संपर्क में रहा, उसने मुझे पेमेंट नहीं दिया, काम नहीं दिया, प्रॉपर जवाब नहीं दिया, वो सारे अपनी वादे खिलाफ ही कर गया. तो ये क्या अब जब 10 महीने के बाद जब मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो ये क्या पब्लिसिटी है. उसके बाद आप कहते हो कि मैं शराब पी के घूम रहा था. आज तक आप किसी से भी पूरी दुनिया में पूछ लीजिए सुनील पाल ना तो शराब पीता है, ना सिगरेट पीता है, ना तंबाकू खाता है. मैं नॉनवेज तक नहीं खाता, खाली अंडा खाता हूँ कभी कभी. तो सुभाष के साहब झा जैसे आदमी को मैं कहता हूँ कि आप पत्रकार हो या चमचागिरी करने के लिए इस लाइन में हो, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े पोस्ट पे आप बैठे हो, वहाँ पर आपको अपनी नौकरी का ख्याल नहीं है. करोड़ों पाठक हैं आपके, करोड़ों रीडर्स हैं आपके. ऐसे गलत काम करेंगे तो सुभाष के झा साहब आपको आपके पत्रकारिता पे कौन भरोसा करेगा. पत्रकार मतलब जिसका काम होता है कि वो पक्ष देखे, छोटा बड़ा ना देखे, सच की तरफ सच का ध्यान दे. तो ये दोनों ही लोग जो है मुझे लगता है कि अपने अपने काम से बेईमानी कर गए हैं.